हेलो दोस्तों, क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? अगर करते हैं तो ज़रा सावधान हो जाइए। देखिए किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मेरे पास कल एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि आप एक टाटा सफारी या तो 12,60,000 रुपये जीत चुके हैं, जिसके लिए आपको ना 6,500 रुपये का एक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और वहाँ पर एक नंबर मेंशन होता है, इस पर जब मैं कॉल करता हूँ तो देखिए किस तरह फ्रॉड लोग एक नामचीनी कंपनियों का सहारा लेके कस्टमर्स को बेवकूफ बनाते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी जी, बोलिए। सर, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, मैं जान सकता हूँ? मैं पेटीएम ऑनलाइन शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बात कर रहा हूँ। तो सर, ये पेटीएम ऑनलाइन शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ही कंपनी है जो पेटीएम शॉपिंग है, या प्राइवेट लिमिटेड अलग कंपनी है कोई ये? एक ही है पेटीएम ऑनलाइन शॉपिंग, हाँ पेटीएम कंपनी सब एक ही है अच्छा। तो सर जी। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? क्या सर इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है जिस कंपनी से आप बात कर रहे हैं? जी, आपका नाम क्या हुआ सर? सर मेरा नाम कमल है। हाँ कमल। जी कमल क्या हुआ? कमल और फुल कमल, नेम? कमल ग्रोवर। जी, आपने पेटीएम ऑनलाइन शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऑर्डर किए थे क्या ऑर्डर किया था सर? क्या? क्या ऑर्डर प्लेस किया था मैंने? ये जो पेटीएम ऑनलाइन शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, जो कंपनी साल में एक बार लकी ड्रॉ करवाती कंपनी अपनी प्रचार पे सर, लकी ठीक है। ड्रॉ का ओपन हो चुका है, ठीक है। कंपनी से आपको कोई मैसेज इन्फॉर्मेशन मिला है? हाँ जी मिली है सर। तो ये तो आप मैच रीडिंग की है। नहीं, रिडीम कैसे करना है, क्या है ये, क्या ऑफर है, मुझे मालूम नहीं है सर। जी, आपने कंपनी में जो ऑर्डर की थी किस नंबर से ऑर्डर किए थे, आप अपना रजिस्टर्ड नंबर पहले बताइए। सर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है मेरा 1 मिनट आप लाइन पे रहेंगे, बताइए तो नोट किया। 8950 जी 686। 0 हाँ है ना? जी जी यही है ना? हाँ जी आपका नेम हो गया कोमल ग्रोवर। हाँ जी जी, आपने जो ऑर्डर किया तुम्हारे पेटीएम ऑनलाइन शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में प्रीमियम क्लीनिंग कॉटन क्लॉथ का ऑर्डर किया था ना, हाँ जी ये प्रोडक्ट आपका 5900 का था ना, 59 रुपये का। हाँ जी 59 रुपीज का। जी, तो फिर अरोसा का हरियाणा से बात कर रहे हैं, आपका एरिया का पिन कोड है 124001। हाँ जी आपका जो एड्रेस हो गया दोस्तों, यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि इस इंसान ने मेरा डिलीवरी एड्रेस जो मैंने पेटीएम कंपनी के साथ शेयर किया था और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बिल्कुल सही बताया। देख रहे हैं किस तरीके से ये इंसान मुझसे बात कर रहा है। ये और आगे भी जानते हैं ये किस तरह मुझे अपनी पूरी डील समझाता है। बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन दिया गया है सर। आप हमारी कंपनी में पेटीएम ऑनलाइन शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फर्स्ट प्राइज टाटा सफारी की 4 व्हीलर कार जीत चुके हैं, फर्स्ट विनर चुने गए हैं कंपनी में। तो सर मुझे इसके लिए रिडीम करने के लिए क्या करना होगा? इसके लिए कंपनी अपनी जो कंपनी जो पेटीएम ऑनलाइन शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो कंपनी है अपनी कस्टमर को, कंपनी में जितने कस्टमर अपने अपने नंबर से ऑर्डर किए थे ना, कंपनी उसी नंबर पे लकी ड्रॉ करवाई, ठीक है। ठीक है। लकी ड्रॉ का ओपन हो चुका है, अब कंपनी में फर्स्ट प्राइज फर्स्ट विनर चुने गए हैं। कंपनी आपको फर्स्ट प्राइज में टाटा सफारी की 4 व्हीलर कार दे रही है। अगर जो आप कार लेना चाहते हैं तो कार ले सकते हैं, कार का अमाउंट लेना चाहते हैं तो कार का अमाउंट में आपको कंपनी 12,60,000 12,60,000 रुपये देगी, ठीक है। क्योंकि गाड़ी का मार्केटिंग कीमत है, वो मार्केटिंग रेट आपको मिलेगा 12,60,000। ठीक है सर। तो मुझे बताइए मैं इसको कैसे रिडीम करूँ, कहाँ लेने आऊँ, इस अपने प्राइस को कैसे लूँ? जी, अगर जो आप कंपनी आने में सक्षम होते हैं सर, तो कंपनी आप आकर के आप हैंड टू हैंड प्राइस को रिसीव कर सकते हैं। कंपनी कस्टमर को ऑप्शन देती है, जैसे कि आप फर्स्ट प्राइज जीते हैं तो कंपनी आपको गाड़ी दे रही है फर्स्ट प्राइज में। अगर जो आप गाड़ी लेना नहीं चाहते हैं तो उसका अमाउंट ले सकते हैं। उसी तरह कंपनी आने में सक्षम होते हैं तो कंपनी आकर के आप अपनी प्राइस को हैंड टू हैंड रिसीव कर सकते हैं।
अगर जो आप घर बैठे होम डिलीवरी का सुविधा लेना चाहते हैं तो घर बैठे होम डिलीवरी का सुविधा ले सकते हैं आप। हाँ जी, तो मुझे बताइए सर दोनों ऑप्शन बताइए कि अगर मुझे कंपनी आकर लेना है तो क्या करना होगा, कहाँ आना होगा, क्या एड्रेस रहेगा, और अगर मुझे होम डिलीवरी लेनी है तो इसका क्या प्रोसेस रहेगा। जी, अगर जो आप कंपनी आकर के प्राइज को रिसीव करना चाहते हैं तो कंपनी आने में आप गाड़ी भी रिसीव करेंगे तो गाड़ी के लिए आप अपना आधार कार्ड का नंबर लेकर के आएंगे, ठीक है। हाँ जी, गाड़ी आपको ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से, अगर जो आप होम डिलीवरी का सुविधा लेंगे गाड़ी को तो गाड़ी आपको ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से दिया जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टिंग का चार्ज आपको पेमेंट देना पड़ेगा। अगर जो कंपनी आकर के लेंगे तो कंपनी आकर के लेने में आप ट्रांसपोर्ट से भी ले जा सकते हैं या चला के जिस तरह से आप किसी भी माध्यम से ले जा सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है अमाउंट, अगर जो आप अमाउंट लेते हैं तो अमाउंट के लिए आप अपना अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नेम, बैंक IFSC कोड मैसेज करेंगे या नोट करवाएंगे, कंपनी उसी अकाउंट पे जो गाड़ी का कीमत है मार्केटिंग कीमत मार्केटिंग रेट आपको दिया जाएगा। अच्छा सर, तो मुझे ये बताइए कि अगर मैं कंपनी आता हूँ तो किस एड्रेस पे आना होगा मुझे कंपनी में और किससे मिलना होगा। जी, कंपनी आना चाहते हैं तो कंपनी आने में आज अगर जो आपको कंपनी वन डे ऑफर निकालती है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, आपको मुंशी पारा कोलकाता वेस्ट बंगाल। हाँ जी, मुंशी पारा कोलकाता, पेटीएम ऑनलाइन शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मुंशी पारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आइए। जी जी, वेस्ट बंगाल। अच्छा अच्छा, और अगर मुझे आप होम डिलीवरी चाहता हूं तो मैं होम डिलीवरी कैसे होगा। जी, तो अगर जो आप होम डिलीवरी चाहते हैं तो होम डिलीवरी में कौन सा ऑप्शन को आप रिसीव करेंगे। हाँ जी, टाटा सफारी अगर आप मेरी होम डिलीवरी करवा दो। जी, अगर जो आप टाटा सफारी आप होम डिलीवरी करवाना चाहते हैं तो आप अपना आधार कार्ड का नंबर नोट करवाएंगे या मैसेज करेंगे, ठीक है। ठीक है, गाड़ी का आप कलर चूज करेंगे, ठीक है। गाड़ी का एक पेपर बनता है जिसको बोलते हैं TRP पेपर, जो कि कंपनी से मैसेज मिलेगा उसमें लिखा होगा रजिस्ट्रेशन चार्ज। हाँ हाँ, है ना, ठीक है। रजिस्ट्रेशन चार्ज आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, ये पेमेंट आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, बैंक से कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, मोबाइल नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन चार्ज पेमेंट करेंगे, गाड़ी आपका ट्रांसपोर्टिंग में आज के डेट में बुकिंग किया जाएगा, उस समय आपको गाड़ी का टीसीएस नंबर, ट्रांसपोर्ट का ड्राइवर का नंबर, ठीक है, ठीक है, कंपनी का स्टाफ देंगे साथ में जिनका नंबर आपको दिया जाएगा, जिससे आप कंसर्न में रहेंगे कि आपकी गाड़ी किस रूट से कहाँ पहुंच रही है। सेकेंड ऑप्शन ए, गाड़ी आपको 40 से 48 आवर के अंदर आपको मिलेगा, होम डिलीवरी मिलेगा। घर पे जाने के बाद 2 पासपोर्ट साइज का फोटो ओके जी आपको देना पड़ेगा, गाड़ी पे हाथ रख करके आपको फोटो लिया जाएगा, कल के डेट में टीवी पे टेलीकास्ट पे दिखाया जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है अमाउंट, अगर जो आप अमाउंट लेते हैं तो अमाउंट में आपको 12,60,000 12,60,000 दिया जाएगा। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जो कंपनी रजिस्ट्रेशन किस बात के पैसे ले रही है, 6,500 जो आप बता रहे हैं। जो रजिस्ट्रेशन चार्ज कंपनी नहीं ले रही, कंपनी तो अपनी लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही, कंपनी अपने प्रचार कर रही, कंज्यूमर कोर्ट का चार्ज है, जो सरकारी रॉयल वकील होते हैं ना उनका चार्ज है। अगर जो आप गाड़ी रिसीव करते हैं तो गाड़ी का पेपर होना अनिवार्य है सर, इसीलिए कंपनी TRP पेपर बनवा करके देती है कि कस्टमर को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हो। ठीक है सर, तो आप ऐसे कीजिए सर, मैं आपको अपना आधार नंबर बता देता हूँ और जो ये रजिस्ट्रेशन फीस है जब गाड़ी डिलीवरी होएगी मैं आपको तभी पे कर दूंगा, उसी टाइम बाय हैंड कैश में, ठीक है सर। हैंड टू हैंड गाड़ी देखिए इसकी जिम्मेवारी कंपनी नहीं लेती है सर, अगर जो रास्ते पे बॉर्डर पे चेक पोस्ट पे कहीं चेक किया जाएगा तो गाड़ी फिर इसमें झंझट कंपनी नहीं लेना चाहती, इसलिए कंपनी जो पेपर बनवा के देती है कि गाड़ी गिफ्ट उपहार की है, इसीलिए TRP पेपर जिसको बोलते हैं टेम्पररी पेपर बनवा करके देती है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं सर। सेकेंड ऑप्शन, अगर जो आप अमाउंट लेते हैं तो अमाउंट आपके अकाउंट पे दिया जाएगा, आज के डेट में दिया जाएगा और 25 से 30 मिनट के अंदर आपके अकाउंट पे दिया जाएगा। अच्छा अच्छा, तो मुझे ये बताइए फिर उस केस में रजिस्ट्रेशन क्यों चाहिए, अगर मैं अमाउंट लेता हूँ फिर तो पेपर नहीं चाहिए। अमाउंट अगर जो लेते हैं सर तो अगर जो आप देखिए आपके अकाउंट पे ट्रांसफर किया जाएगा अमाउंट जो 12,60,000 12,60,000, अगर जो आपके अकाउंट पे डायरेक्टली अगर जो भारत सरकार है आपके अकाउंट पे फिर इतना अमाउंट डायरेक्ट ट्रांसफर होगा तो आप क्या जवाब देंगे।
इनकम टैक्स वाले का छापा मारेंगे तब पूछेंगे। हाँ कोई बात नहीं सर, वो मेरे पे छापा मारेंगे तो मैं जवाब दे सकता हूँ, उनके पास कोई दिक्कत नहीं है सर। भारत सरकार ने छूट दी हुई है कि अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो उस केस में कोई इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। कोई बात नहीं सर, मैं लायबल हूँ, मैं इनकम टैक्स पे कर दूंगा उसके ऊपर, उस अमाउंट के ऊपर जो TDS कटेगा मैं TDS भी पे कर दूंगा। तो उस चीज की सर आप चिंता ना करें, आप मेरे अकाउंट में अगर ट्रांसफर करवाएं तो आप ट्रांसफर करवा दीजिए। इसीलिए कंपनी एक TRP पेपर बनवाती है, ठीक है पेपर। हाँ वो तो मैं समझ गया, पेपर नहीं, मैं तो अब सोच रहा हूँ कि मैं जो अमाउंट है वो ट्रांसफर करवा लूँ, गाड़ी मैं खुद ही परचेज कर लूंगा बाद में कोई और। अमाउंट आपको ट्रांसफर दिया जाएगा सर, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज जो पेमेंट करेंगे ना बिना सर्टिफिकेट का चार्ज, हाँ जी, उसका चार्ज आप 6500 पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद 25 से 30 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में मिलेगा। 25 मिनट ओनली फॉर कंपनी जो लेती है टाइम है, पेमेंट करने के बाद 25 मिनट का टाइम लेती है कंपनी। नहीं वो तो ठीक है, 25 मिनट का टाइम लेती है कंपनी, बट मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आप जो ये रजिस्ट्रेशन फीस है वो तो पेपर की है गाड़ी के, जब मैं गाड़ी की पेपर क्या है ना, अगर जो रजिस्ट्रेशन था, अगर जो आप अमाउंट लेते हैं ना आपका बिना सर्टिफिकेट बनेगा, कंज्यूमर कोर्ट से बनता है। ठीक है सर, आपका कोई सीनियर है जिससे मैं बात कर सकूं? जी बिल्कुल, आप सीनियर अधिकारी से बात कर सकते हैं सर। जी कराइए बात। हेलो हाँ जी सर, क्या आप बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप सर? मैं कंपनी से बात कर रहा हूँ, पेटीएम कंपनी से। अरे पेटीएम का हेड ऑफिस कहाँ पर है सर, आप किस ऑफिस से बात कर रहे हैं? कोलकाता। पेटीएम का हेड ऑफिस तो सर नोएडा में है, आप कोलकाता से कैसे कोलकता, बात कर रहे हैं? कोलकाता हेड ब्रांच वेस्ट बंगाल। हाँ हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, पेटीएम का हेड ऑफिस तो कोलकाता में है ही नहीं, उसका तो ऑफिस नोएडा में है। नोएडा में एक जगह थोड़ी रहता है सर, छोटा ब्रांच है, ठीक है, मेन ब्रांच जो है कोलकाता में, ठीक है, और एक मुंबई में है। कहाँ पर है? एक कोलकाता में और एक मुंबई में, तो छोटा ब्रांच है नोएडा में। अच्छा अच्छा, तो सर ये मेरा कुछ प्राइस जीता है मैंने, ये बता रहे हैं, मेरे पे मैसेज आया था। तो प्राइस जीते ना, इसके लिए आपको पहले एग्रीमेंट करना होगा, आपको विजेता प्रमाण पत्र बनाना होगा। अच्छा हाँ जी, आपको इसमें सबसे पहले विजेता प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, एग्रीमेंट का जो चार्ज होता है 6500 वो बेयर करना होगा, नहीं बेयर कीजिएगा तो प्राइस नहीं मिलेगा आपको। अच्छा अच्छा ठीक है। तो सर आप ये जो ये कैश जो 6500 रुपीस कह रहे हैं सर, आप ये मुझसे जब गाड़ी डिलीवर करेंगे तब नहीं ले सकते जो भी आएगा आप? नहीं नहीं, इससे पहले आपका एग्रीमेंट होता है कंज्यूमर कोर्ट में, उसके बाद आप विजेता कौन से होते हैं, ठीक है, उसके बाद आप गाड़ी ले रहे हैं तो गाड़ी के पेपर बनता है, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन पेपर बनता है, ठीक है, यहाँ से, और आपका एग्रीमेंट किया जाता है, उसके बाद ट्रांसपोर्टर बुक करके आपके घर तक गाड़ी को भेजा जाता है, पहले आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है सर, आप जानते हैं आप फ्रॉड कर रहे हैं। हेलो हाँ जी सर, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप जानते हैं कि आप फ्रॉड कर रहे हैं और आपकी कंप्लेन भी हो सकती है? जी क्या आप जानते हैं कि आप फ्रॉड कर रहे हैं और आपकी कंप्लेन भी हो सकती है? जाकर पहले कंप्लेन कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद प्राइस लीजिएगा। दोस्तों अब मैं ये इन्फॉर्मेशन पेटीएम कस्टमर केयर के साथ शेयर करने जा रहा हूँ और कंप्लेन भी करने की कोशिश करता हूँ, तो कस्टमर केयर वाले मुझे पेटीएम की साइबर सेल पर ईमेल करने को बोलते हैं, जब ईमेल किया जाता है तो वहाँ से क्या रिप्लाई आता है, तो आइए जानते हैं अगली बातचीत पेटीएम के कस्टमर केयर के साथ। गुड आफ्टरनून, माय नेम इज शब्बीर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम पेटीएम मॉल, इज दिस राइट टाइम टॉक टू सर? यस सर। सर एज आई कैन टेक हियर यू, बट सर मुझे बताएंगे सर, मेरे पास ना आज एक मैसेज आया, ओके, उसमें लिखा था कि यू आर द विनर ऑफ टाटा सफारी और यू कैन टेक रिवार्ड ऑफ 12,60,000 फ्रॉम पेटीएम इंडिया लिमिटेड। ओके तो सर ये बिल्कुल आप लाइन पे बने रहेगा सर, आपकी पूरी सहायता की जाएगी, ठीक है सर? जी लाइन पे बने रहेगा सर। क्या मेरी जी सर सुन पा रहे हैं आप? जी सर आई एम लिसनिंग टू यू।
ओके थैंक यू सर। सर क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं सर? सर मेरा नाम कमल है। सर बताना चाहूंगा पेटीएम मॉल की तरफ से ऐसा कोई मैसेज नहीं जा चुका सर, बिकॉज ये एक फ्रॉड कॉल है, फ्रॉड मैसेज है, ठीक है सर? बिल्कुल ये टोटली फ्रॉड है, आइंदा से ऐसे मैसेज और ऐसे कॉल से बचिएगा सर। मैं आपको एक हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट देता हूँ, वहाँ पे आप अपना केस कंसर्न रेज कर सकते हैं सर। आप नोट कीजिएगा सर, नोट कीजिएगा, वहाँ पे अपना कंसर्न रेज कर सकते हैं सर। एक मिनट मैं नोट कर लेता हूँ फिर। ओके बताइए सर। साइबर सेल सी वाई साइबर सेल @paytm.com @paytm @paytm.com सर ईमेल करना होगा मुझे? बिल्कुल सर, आप इस पर अपना इशू रेज कर सकते हैं, आपको रिवॉर्ड बैक मिल जाएगा सर। दोस्तों जब मैं पेटीएम की साइबर सेल पर ईमेल करता हूं तो वहां से रिप्लाई बैक आता है कि पेटीएम किसी भी कस्टमर को इस तरह के कॉल या एसएमएस नहीं करता। अगर आपको इस तरह के एसएमएस या कोई कॉल्स मिलते हैं तो आप अपने लोकल लॉ में इसकी रिपोर्ट करवा सकते हैं। इस तरह पेटीएम यह सब कहकर अपना पल्ला झाड़ देता है, और जो उसने हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर की होती है उसकी कोई जिम्मेदारी अपने सिर नहीं लेता। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं पेटीएम एक दूसरी साइट से, तो खुद ही सावधान होकर शॉपिंग कीजिए, क्योंकि कोई भी कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती यह कह के वो अपना पल्ला झाड़ देती है। तो आप इस तरह के फ्रॉड होने से बचिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त और रिश्तेदार इस तरह के फ्रॉड होने से बच सकें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।